नमस्कार, स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर नगर थाना क्षेत्र से है। नगर थाना क्षेत्र के गुप्ता मार्केट के समीप 25 जून की संध्या सरेआम गोली चलाकर दो व्यक्ति को घायल करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि मुख्य आरोपी विश्वजीत सिंह झल्लू उम्र करीब 20 वर्ष को भागलपुर से गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान नगर थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता उपस्थित थे। तारीख को शहर के बीचों बीच दो ग्रुप में विवाद के बाद फायरिंग की घटना हुई थी। इस घटना के क्रम के बाद पुलिस ने एक टीम गठित की थी और आज के पूर्व इसमें तीन लोग गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुके हैं, जिसमें एक बालिका है, दो नाबालिग है। और पुनः उसी कड़ी में जो मुख्य था इस घटना का विवाद का कारण, जिसके कारण यह फायरिंग की घटना हुई थी, उसमें से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक नाबालिग है और एक विश्वजीत सिंह, जिसको गिरफ्तार किया गया। उसके पास से मोबाइल और घटना में शामिल जो मोटरसाइकिल है वो बरामद की है। इस टीम ने इस तरह लगातार इस कांड में दबिश बनाई हुई है। शेष अभियुक्तों की भी जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी और इस घटना में प्रयुक्त हथियार की भी बरामदगी का प्रयास जारी है। ये अभी एक दूसरे पे दोषारोपण लगा रहे हैं कि मैंने नहीं, ये अनुसंधान का क्रम स्पष्ट होगा। जब सभी लोग उपस्थित हो जाएंगे या पकड़े जाएंगे, उसके पश्चात ये स्पष्ट हो पाएगा कि गोली किसने चलाई। विवाद का मुख्य कारण क्या? विवाद का बहुत छोटा सा कारण था कि वो दुकान में शॉपिंग कर रहा था, निकलने के क्रम में मोटरसाइकिल से किसी के पैर में गाड़ी चढ़ने की बात आई है अभी तक। और इसी विवाद में बढ़ते बढ़ते दो ग्रुप में बट गया लोग और एक दूसरे के पक्ष को बुला के फिर यह विवाद बढ़ता चला गया और इसके बाद फायरिंग की घटना। अभी तक कुछ 7 लोग चिन्हित किए जा चुके हैं और शेष दो लोगों को प्रयास किया जा रहा है कि इसके अतिरिक्त और कितने